नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर ग्लोबल एविएशन के रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है फाइनेंशियल 20 का, उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद शेयर के प्राइस के बात करेंगे, उसके लेवल्स और टारगेट की भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इससे आप आगे की जानकारी एकत्रित कर पाएंगे कि इंटर ग्लोबल एविएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी देख सकते हैं आज जो हमारा मार्केट में बहुत ही तेजी देखा गया, उसके बावजूद इस पर 1 पॉइंट का गिरावट है। ऐसा गिरावट क्यों आया? क्योंकि आज ही इसका रिजल्ट का डेट था। तो चलिए हम रिजल्ट पे चलते हैं और रिजल्ट को देख लेते हैं कि इंटर ग्लोबल एविएशन का रिजल्ट किस प्रकार रहा है। बस एक हम ओवरव्यू देखेंगे, इसका जो डिटेल पीडीएफ है उसमें देख सकते हैं, इसका जो लेटर है देख सकते हैं पूरी तरह से ब्लर है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर बीएससी इंडिया पर इंटर ग्लोबल एविएशन का रिजल्ट जो है क्वार्टर फोर का वो देख रहे हैं। पीडीएफ भी मैंने बीएससी से ही डाउनलोड किया है, लेकिन इसका देख सकते हैं आप ये ब्लर किया हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है। साथ ही साथ यहाँ पर मिलियन में आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं जो हमारे यहाँ रुपीज इन मिलियन है और यहाँ पर आपको करोड़ में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बीएससी इंडिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ बीएससी इंडिया पर दिया हुआ है, ये हमारा मार्च 20 का रिजल्ट है, ये हमारा दिसंबर 19 का, ये सितंबर 19 का और ये जून 19 का, तो इस तरह से मार्च 19 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू कितना है, 8,299 करोड़, और पिछले ईयर जो था हमारा मार्च क्वार्टर में देख सकते हैं 7,883 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहें और ईयर ऑन ईयर कहें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें दिसंबर क्वार्टर से देखते हैं डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा, क्योंकि नेट ही प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो माइनस 873 करोड़ है हमारा, देखते हैं माइनस में प्रॉफिट। वहीं हम बात करें देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब मार्च क्वार्टर 19 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा है 589 करोड़ पॉजिटिव में और यहाँ पर लॉस में दिखा रहा है कंपनी। तो समझ सकते हैं कि रिजल्ट जो है मात्र 10 दिन इस मार्च क्वार्टर में जो है लॉकडाउन का इफेक्ट जो है निगेटिव में रिजल्ट शो कर रहा है, समझ सकते हैं निगेटिव में। अगर पीडीएफ अच्छा रहता तो हम वहाँ पर डिटेल में बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट निगेटिव कैसे आया, लेकिन हम इसमें एविएशन सेक्टर ऐसे भी हमारा बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहने वाला है, तो ऐसे भी आपको इस स्टॉक में भारी करेक्शन देखने मिल सकता है, तो इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी ये कंपनी अभी आगे भी निगेटिव रिजल्ट पेश करता रहेगा। क्यों निगेटिव आया, क्यों इतना, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी फॉल किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो 490 करोड़ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फॉल किया है। तो समझते हैं प्रॉफिट में काफी गिरावट आई है। अब अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर देखते हैं माइनस में है हमारा, निगेटिव में -22.70 अर्निंग पर शेयर है। वहीं देखते हैं पिछले क्वार्टर में 12.75 रुपीज़ था, ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करेंगे तो 15.34 रुपीज़ था अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितना का अर्निंग हुआ, तो देखते हैं निगेटिव -22 का EPS है। तो समझ सकते हैं इस शेयर में कितना गिरावट आगे आ सकती है, क्योंकि मात्र मार्च क्वार्टर में 10 दिन लॉकडाउन का इफेक्ट था, तो रिजल्ट इतना प्रभावित हुआ, और अभी आप सकते हैं पूरे जो हमारा जून क्वार्टर है वो प्रभावित रहेगा, क्योंकि जुलाई से पहले आपको इंटरनेशनल फ्लाइट देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ पर मई में 20 मई के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुआ है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट से कुछ खास जो है अर्निंग होने वाला यहाँ पर है नहीं, तो समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट में भारी गिरावट आएगा। तो चलिए हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक्स आपने देखा कि आज हमारा 8 पॉइंट डाउन है, देख सकते हैं 0.84%, वन मंथ में देखेंगे तो वन मंथ में लगभग फ्लैट रहा है, आप 6 मंथ में देखेंगे तो भारी गिरावट देखने मिला है, देख सकते हैं ये हमारा 1,481 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था, अभी देखते हैं मात्र 945 रुपीज़ का है। अगर लंबे समय में देखिएगा तो भी देखते हैं भारी गिरावट है, ये हमारा स्टॉक्स 1900 का हुआ करता था, 1900 का, और अभी आप देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मैक्सिमम ईयर में देखते हैं तो मैक्सिमम में भी देख सकते हैं इस स्टॉक्स में कोई मूवमेंटम नहीं, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी भी
एविएशन सेक्टर के सारे स्टॉक्स अपना सेल ऑफ कर चुके हैं, तो समझ सकते हैं ये आगे जो है हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहने वाला है। तो ऐसे में आप भी ऐसे स्टॉक से दूर रहें, अभी इन्वेस्ट ना करें, वेट एंड वॉच करें सिचुएशन का। अभी मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने मिला है, लेकिन इस स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं देखने मिल रहा है। आगे हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है उस पर निर्भर करता है। अगर मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो इसमें और करेक्शन देखने मिलेगा, अगर मार्केट में तेज़ी बनी रहती है तो फिर इस स्टॉक में आपको कोई ज़्यादा मोमेंटम ना तो अप बार ना तो डाउन बार देखने मिल सकता है, मतलब ये लगभग फ्लैट रह सकता है तब अगर मार्केट में तेज़ी बनी रहती है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है तब हो सकता है इसमें तेज़ी आपको देखने मिले। लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ही मतलब निगेटिव परफॉर्म किया है इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर में भी परफॉर्म करेगा, जून क्वार्टर में तो पूरी तरह से बैडली इफेक्टेड होगा प्रॉफिट। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको इंटरग्लोब एविएशन में, बस जस्ट वेट एंड वॉच। तो जस्ट इसके स्टॉक को वेट एंड वॉच करें, आप कभी भी अभी एविएशन सेक्टर में अभी इन्वेस्ट ना करें, अगर और करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो है अगले मतलब जून क्वार्टर के अगले क्वार्टर भी रिजल्ट प्रभावित होने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब जब तक हमारा सिचुएशन कोरोना का नॉर्मल नहीं हो जाता, इस पैंडमिक का सिचुएशन, तब तक इस स्टॉक में तेज़ी आपको देखने नहीं मिल सकता है, क्योंकि तब तक फ्लाइट हमारा जो है इफेक्टेड रहेगा। ऐसे भी अब फ्लाइट कॉस्ट बढ़ने वाला है तो कंपनियों को हो सकता है प्रॉफिट और भी गिरावट आए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।